आ गई? मैं तो अभी ट्रेन में ही हूँ। ऑफ कोर्स दी, मुझे तो आना ही था। मेरी बहनें घर आ रही हैं पग फेरों के लिए और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? वेलकम मुझे ही तो करना है उन्हें। पर तेरा कंपटीशन, उसका क्या? वो तो कल ही खत्म हो गया। बहुत मजा आया दी। मुझे आपको कुछ दिखाना है, एक मिनट। मंशा, अभी नहीं, मुझे अभी किसी जरूरी काम से जाना है, मैं बाद में आकर देख लूंगी ना। अरे नहीं ना दी, 5 मिनट लगेंगे। बच्चे मुझे लेट हो जाएगा, आई प्रॉमिस, मैं बाद में आकर देख लूंगी। ठीक है। माँ कहाँ है? एटलीस्ट मम्मी को तो दिखा दूँ। मम्मा ऊपर है। ओके। तुम लोगों को पता था ना कि नूपुर जी को नमक मना है, ये सब जानते हुए भी तुम लोगों ने इतना नमक डाला। मुझे लगता है कि इसमें किसी की चाल है। इतना मैंने तुम्हें खास तौर से बोला था कि नमक कम और चीनी कम। I'm sorry, Trishna. मैंने फिर से सबके सामने तुमसे ऐसी किस बात के लिए सॉरी कह रहे हैं आप राजदीप? क्योंकि आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती की? आप मेरी नाराजगी को नहीं समझ रहे राजदीप। मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने मेरी तरफ से मम्मा से माफी मांगी। थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करते आप मुझ पे। अगर मैंने गलती की होती तो क्या मैं मम्मा से माफी नहीं मांगती राजदीप? लेकिन नहीं, आपने बड़ी आसानी से मान लिया कि तृष्णा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा। नहीं तृष्णा, ऐसी बात नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मॉम और तुम्हारे बीच जो भी। माँ का फोन है। नमस्ते माँ। खुश रहो पुत्र जी, मैंने आपको पग फेरों के बारे में याद दिलाने के लिए फोन किया है। बेटा इस बार आ जाना, कोई और प्रोग्राम मत बनाना। जी माँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब लोग वहाँ वक्त पे पहुँच जाएंगे। तृष्णा कैसी है बेटा? तृष्णा बिल्कुल अच्छी है, मेरे सामने ही खड़ी है माँ, आप खुद ही बात कर लीजिए। माँ का फोन है। हाँ माँ, ठीक हूँ, टाइम से आ जाएंगे, बाय। अच्छा, खुश रहे पुत्र। आप कुछ बोलोगी भी? इतनी देर से क्या सोच रही हो? ये जिंदगी भी कितनी अजीब सी होती है ना, हम एक एक लम्हा जी कर उनके जज्बातों को जोड़ के रिश्ते बनाते हैं, और किस्मत अचानक आंधी बनकर आती है और एक ही पल में जैसे सब कुछ बिखर जाता है। तुम हमारे बारे में बोल रही हो ना? राघव, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है जिसका आने वाला कल ना तुम्हें पता है और ना मुझे। कब तक हम इस तरह से दुनिया की नजरों से छिपकर मिलते रहेंगे? जिंदगी के किस मोड़ पर हमारे इस रिश्ते का फैसला लिखा जाएगा? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं ना सुजाता? लेकिन तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद नहीं हूं, और फिर वो गलत भी तो नहीं है, मेरी कुंडली में विधवा दोष है। तुम उनकी नजर से देखो, उनको लगता है तुम मुझसे शादी करके
मौत से शादी करोगे। मेरे साथ मौत का साया है राघव, फिर वो हमें क्यों मिलने देंगे? इस तरह हार मानने से भी कुछ नहीं होगा सुजाता। तो फिर मैं क्या करूं? कब तक किस्मत हमारे साथ ऐसा खेल खेलती रहेंगी? अब हमें सीरियसली कुछ सोचना चाहिए और कोई फैसला लेना होगा। और तुम्हारी समझ में क्या है ये फैसला? जिस सफर की कोई मंजिल ना हो उस पर चलकर फायदा क्या, जिस रिश्ते का कोई अंजाम ना हो वो रिश्ता सच कम और भ्रम ज्यादा होता है, इसलिए हमें हमारी बस हो जाता बस, इसके आगे कुछ मत कहना। ये रिश्ता ही मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी का सफर और उसका मंजिल दोनों। मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन ये भी सच है कि प्यार करना बहुत आसान लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। और हम दोनों तो एक दूसरे से जुड़े बिना ही इस रिश्ते को निभा रहे हैं। सच तो यह है कि सच्चा दिल कभी नाकाम नहीं होता। मैं एक पंडित जी से मिला था, श्री आचार्य रामकृष्ण सहाय जी, कोची के रहने वाले, बहुत जल्द दिल्ली आने वाले, डैड के भी काफी करीब हैं। उनका यह मानना है कि नौ अमावस्या तक विधवा दोष निवारण यज्ञ किया जाए तो ये दोष तुम्हारे कुंडली से मिट सकता है, और अगर ये दोष तुम्हारे कुंडली से मिट जाए तो डैड हम दोनों को अपना लेंगे। तुम्हें विश्वास है ना मुझ पर? अगर तुम पर यकीन ना होता तो मैं हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ने ही नहीं देती। लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं है। तुम्हारी इस किस्मत में अब राघव शामिल है, और तुम इस रिश्ते को अकेले नहीं, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। हेलो। अरे कुल, तुम साथ में आई होती तो मेरे लिए आसानी हो जाती। कुछ चेंज पसंद आई है मगर समझ में नहीं आ रहा कौन सी लूं, काफी कंफ्यूज्ड हूं। महंगी है क्या? दो तो हमारे बजट की है। दो थोड़ी सी उससे महंगी है और दो काफी महंगी है। मेरे ख्याल से तो अब थोड़ी महंगी है ना, वो ले लीजिए। क्या है ना कि वो लोग बड़े लोग हैं, चेन हल्की नहीं पड़नी चाहिए। और सुनिए, वो लोग दो घंटे में आ रहे हैं, आप थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ ओके, बाय बाय। इसे पैक कर दीजिए। मैं जानता था ये सब देखने के बाद आपको ये चीज जरूर पसंद आएगी, बड़े बड़े लोगों की बड़ी पसंद होती है। नहीं नहीं भाई साहब, हम बड़े लोग नहीं हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लेकिन क्या है ऊपर वाले की दया से हमारी बेटियों की शादी बड़े घरों में हो गई है, तो उनकी खुशी के लिए अपना फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। जीते रहो बेटा। खुश रहो।
हाँ, अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्ते जरूर कहना। सीरियसली भाभी, आप दोनों जब से इस घर में आई हैं ना, ये घर घर लगने लगा है। पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी आप लोगों के साथ दिल कैसे लग गया। I'm surely going to miss you guys. But I really want to say this कि अगर मेरी आप लोगों की तरह एक प्यारी सी बहन होती ना, तो मैं बहुत लकी होती। जीती रहो। चले कम। ओह नो तृष्णा, मुझे लगता है मैं अपना मोबाइल कमरे में भूल गया, मैं अभी लेके आता हूँ। मैं ले आती हूँ, आप लोग बाहर चलिए। राज, हम लोग तृष्णा के बाहर वेट करते हैं, कम। राज बेटा, कैन आई शेयर समथिंग विद यू? हाँ मम्मी प्लीज। बेटा मैं तृष्णा को लेके बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि वो यहाँ अच्छी तरह सेटल नहीं हुई है, और फिर इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया। एनीवेज प्लीज बेटा, तुम मेरी मदद करोगे? तृष्णा के दिल में जो भी है, जो भी गलत फहमियाँ हैं, उसे दूर करने की कोशिश करोगे? डोंट वरी मॉम, आपके कहने से पहले ही मैंने कोशिशें शुरू कर दी। इनफैक्ट लंच में जो कुछ भी हुआ, मैंने उसके बारे में राजदीप से भी बात कर दी है, और उसने सब कुछ सुलझाने की कोशिश भी की है। आई थिंक सब कुछ ठीक है अब। आज हमें चलना चाहिए। मम्मी जी, मैं चलती हूँ। राज बेटा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बहनों के बीच में कुछ दूरियां हैं। तुम्हें क्या लगता है बेटा, ये दोनों बहनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है? जो इन्होंने हम सब से छुपा के रखा है? ऐसा कुछ नहीं है मॉम, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अगर मॉम को इस बात का एहसास हो गया तो अब वो इस बारे में सब कुछ पता करके ही रही, और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं अभी चलता हूँ मॉम। ओके। राज के एक्सप्रेशंस पढ़ने में मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। कोई तो राज है इन बहनों का, जो राज भी जानता है। ओके राज, छुपा लो तुम भी, लेकिन नूपुर को अपना काम किससे करवाना है और कैसे, ये नूपुर अच्छी तरह जानती है। ये राज मुझे कैसे खुद ये बहनें बताएंगी।